हाय मेरे बच्चों, अब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली आपकी फिजिक्स की भी। 6 मार्च को आपका एग्जाम है। लास्ट 6-7 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 97%+ मार्क्स आ जाएं, आप फिजिक्स में एस कर लो, 95%+ अपने बोर्ड एग्जाम्स में ले आओ। मैं आपको बताती हूँ, केमिस्ट्री आज आपका हो गया है 28 फेब को। अब 6 मार्च को सबसे बड़ा टारगेट जो हमारे पास है वो है फिजिक्स का। तो चलिए देखते हैं 6-7 दिनों में क्या करना है। अब हमारे पास सिर्फ 1 वीक बचा है। टेंशन मत लो, जो जो मैं बताती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी, आपने बस वैसे वैसे करते रहना है। सबसे पहले आप 6, 7, 8 सैंपल पेपर्स ले लीजिए। ये सैंपल पेपर्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। रोज आपने एक सैंपल पेपर अपना सॉल्व करना है पूरा। आप जो भी गलतियां कर रहे होगे सैंपल पेपर में, उनको एक बार वापस रिवाइज कर लो, देख लो कौन से टॉपिक्स में गलती हो रही है, उसकी थ्योरी दोबारा पढ़ लो, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सको। तब पहले दिन से बेटर परफॉर्मेंस सेकंड डे के सैंपल पेपर में, फिर थर्ड डे के सैंपल पेपर। जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो, अनफॉर्चुनेटली मैं तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ा रही, वहां जो फटाफट लॉन्ग लेक्चर्स चल रहे हैं, वन शॉट चल रहे हैं, रिविजन बूट कैंप्स लगे हुए हैं, फटाफट कर लो। देखो बेटा, लगता है कि टाइम नहीं है, अब क्या होगा मुझसे। जैसे कल भी कई बच्चे कह रहे थे कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हुआ। क्या आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, आपके पास टाइम है, लास्ट तक मत करो। ये हम आखिर जो सबसे मुश्किल टॉपिक है ना, जो सबसे आपसे नहीं हो पा रहा, आपको हमेशा वो सबसे पहले करो। हमेशा मुश्किल टॉपिक सेंड में होता है। हमें लगता है जब पहले 2 दिन में ज्यादा सिलेबस कर लूंगा मैं, यू नो, जो मुझे आता है वो रिवाइज कर लूंगा। ये गलती मत करो। आज सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक से शुरू करो। यूज अगर नीट के भी कर सकते हो, या जो वो आपको ना जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, उनको करने में बहुत हेल्प करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि वो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आप कर पाओगे, क्योंकि पीपीक्यूज हमेशा बहुत यूनिक होते हैं। तो किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करने, क्या ट्रिक लगानी है, इसलिए पिछले 3-4 साल के पीपीक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम के 1 मार्क वालों में। आपको बहुत मदद आएगी। जब भी आप सैंपल पेपर्स कर रहे हो, जैसा मैंने बोला, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वीक टॉपिक्स रह रहे हैं, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक्स अभी तक कर रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, और उन पे मेहनत करो। राइट, ऐसा मत करो इसको तो मैं एंड तक, अभी टाइम नहीं है डीप लर्निंग, मतलब इस चैप्टर को तो मैं पूरा खत्म नहीं। आप कोशिश करो इस चैप्टर में से 2 थ्योरम डेरिवेशन के आते हैं, यानी कि बैक एक्सरसाइज कर लो, सॉलिड एग्जांपल कर लो। अभी 5-6 दिन में आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम किसी भी तरह स्कोर करना है। एक्यूरेसी भी इम्पोर्टेंट है, स्पीड भी इम्पोर्टेंट। ऐसा ना हो लंबे क्वेश्चन लिखने में आपका ज्यादा टाइम हो जाए, जिसकी वजह से आप बाकी क्वेश्चन ना कर पाओ। इसीलिए सैंपल पेपर्स करना बहुत जरूरी। बहुत बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि मैम किससे शुरू करें, इसीलिए सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स उठाओ। किसी से बात करने की जरूरत नहीं, किसी फ्रेंड से नहीं बात करनी, कुछ नहीं करना, सोशल मीडिया पे कहीं नहीं जाना, कोई पेपर एनालिसिस नहीं देना। अपने हाई वेटेज टॉपिक्स उठाओ, हाई वेटेज में जो आपके वीक एरियाज है, सबसे पहले उन्हें उठाओ, उन्हें करो, सैंपल पेपर्स में पता लगाओ क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, उनको इंप्रूव करो, आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव होने लगे। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज बिल्कुल मिस नहीं करनी। जो एनसीईआरटी की रिफ्रेशर या नोट्स की स्कूल का जो मटेरियल है वो फटाफट, सारी डेरिवेशंस को 2-2 बार लिखकर करो, जोर जोर से, यू नो, बोल बोल के पढ़ो डेरिवेशंस को, बार बार जोर जोर से बोलो, चक्कर काटते काटते रूम में बोलो, लिख लिख के करो। बट एनसीईआरटी बेस्ड बुक, स्कूल का जो मटेरियल है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस और सारी डेरिवेशंस आपने करनी है। लास्ट का जो दिन आ जाएगा ना, 5 को 4 को, कुछ नया नहीं करना, 1, 2, 3 में सब कुछ कर लो। राइट, थ्योरी कर लो मैक्सिमम टाइम जो है, अभी थ्योरी कर लो मैक्सिमम टाइम, अपना प्रैक्टिस पे दो, न्यूमेरिकल्स भी हो जाए। लास्ट डे तक कुछ नहीं छोड़ना, रट्टे मार लो, 4-5 दिन तो रट्टे याद ही रहते, सब चीजों के रट्टे मार लो। राइट, इन्हीं में से आपका एग्जाम आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम आएगा, तो सैंपल पेपर, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस का बिल्कुल रट्टे मार के जाओ। 5 तारीख को कुछ नया नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी, सारे फॉर्मूलास, सारे डेरिवेशंस, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यही करने हैं जो मैंने ग्रीन से लिखा है।
कॉन्फिडेंट रहो, आराम से हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन, एक किसी से बात नहीं करनी, अननेसेसरी कोई बुक सॉल्व नहीं करनी, डाइवर्ट नहीं करना अपना दिमाग, ये नहीं कि अभी हम यू नो पागलों की तरह लगे हुए हैं। तो लास्ट डे का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है, फ्यू डेज बिफोर एग्जाम मैंने बोला हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले करो, उसके बाद लो वेटेज टॉपिक्स पे आओ, सैंपल पेपर्स में से अपनी मिस्टेक एनालाइज करो, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जाम दिन से पहले कोशिश मत करो सब कुछ रिवाइज करने की, 5 तारीख को सब कुछ रिवाइज नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होना, अगले दिन आपको फ्रेश रहना है, राइट। लंबी लंबी ब्रेक नहीं लेनी, छोटी छोटी ब्रेक लेनी है और बस करते चलना। लंबी ब्रेक से क्या होता है ना, स्ट्रेस हो जाता है, हाई मैंने पढ़ा नहीं, लास्ट दिन में पढ़, छोटी छोटी ब्रेक लेना पर बिल्कुल आराम से पढ़ते रहना, खाना नहीं छोड़ना, पढ़ते रहो, राइट। अगर मन कर रहा साथ साथ स्क्रिबल करके, बस अपनी नजरों के नीचे से जस्ट मेक इट गो थ्रू योर आईज, यू विल बी एबल टू डू वेल, आई हैव फुल फेथ ऑन यू। स्टेशनरी पैक कर लेना, खाना वाना लेकर जाना, थोड़ा बहुत खाना खा के जाना, छोटे नोट्स डेरिवेशन के फॉर्मुला शीट्स बनी होंगी वो लेकर जाना, उनको रिवाइज करते रहना, फॉर्मुला शीट्स नहीं बनी साथ साथ अभी 3-4 दिन में बना लो, लास्ट में वही पढ़ते रहना। पैनिक नहीं करना, एग्जाम से पहले कोई फोन नहीं, किसी से कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, इंस्ट्रक्शंस केयरफुली लिखना। मैं कल परसों एक और वीडियो बनाऊंगी कि पेपर कैसे लिखना है, राइट। यू विल डू वेल, मैस्कॉट्स हो यार, आखिरकार तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। चलिए टेक केयर। फिजिक्स का पेपर भी कहां से आएगा, मैं एक शॉर्ट बना रही हूँ, कितना पेपर मुश्किल होगा कितना पेपर इजी होगा, प्लीज स्टे ट्यून टू दैट शॉर्ट ऑल्सो। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज दैट इज योर लव बैक इट अप। टेक केयर।